आप लोगों को पहले से ज़्यादा वॉल्यूमनाइज्ड लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जो हेयर ऑयल है ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। आपके बालों को वॉल्यूमनाइज्ड करने का ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप लोगों को हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों के बाल बढ़ना बंद हो गए हैं, सारे ही चीज़ों में ये जो ऑयल है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप लोगों को बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए आज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, आज जिस हेयर ऑयल का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये नेचर श्योर के थुम्बा वंडर हेयर ऑयल। के बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसा ये हेयर ऑयल है, इसे किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, इसकी प्राइस, इसकी क्वांटिटी, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छे हेयर ऑयल की तलाश में है तो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस थुम्बा हेयर ऑयल की पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स में ही अवेलेबल। साथ ही साथ जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की बॉटल हमें मिल जाती है। तो इसकी पैकेजिंग वाइज ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि इसके ऊपर एक फ्लिप फ्लॉप कवर दिया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है इसे यूज़ करना। अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी प्राइस की, तो ये 340 रुपीज़ इसमें MRP दी हुई है, लेकिन आजकल ऑनलाइन साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप वहाँ जा करके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बात कर लेती हूँ इसकी क्वांटिटी की, तो 110 ml की इसकी पैकेजिंग हमें मिल जाती है। एंड ये जो ऑयल है काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चल जाता है, तो मुझे इसकी क्वांटिटी एज वेल एज इसका प्राइस दोनों ही अच्छे लगे। इसके अलावा गाइज, ये जो हेयर ऑयल है ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। ज़्यादातर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल होती इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ जब हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी और प्रदूषण के कारण हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे बालों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। साथ ही साथ जो हम डाइट लेते हैं उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हम नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जब हम हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो उस हेयर ऑयल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के अंदर ढेर सारी मात्रा में केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये जो हेयर ऑयल है ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए मुझे, इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। इसके अंदर थुम्बा है, थुम्बा एक डेजर्ट फ्रूट होता है जिसे बिटर एप्पल के नाम से भी लोग जानते हैं। हमारे 70% हेयर फॉलिकल्स को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट ये कर देता है। इसके अलावा इसमें भृंगराज है, देन इसके अंदर कपूर है, तिल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं एंड इसके अंदर किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं। अब इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये 2020 से 2022 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 साल की शेल्फ लाइफ हमें मिल जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है ये FSSAI अप्रूव्ड है, इसके अलावा ये GMP सर्टिफाइड है एंड ISO सर्टिफाइड भी है। इस हेयर ऑयल के जो यूजेस हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग के ऊपर सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले ये हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, इसके अलावा ये हमारे बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो बाल हैं वो प्री मैच्योर ग्रे होने लग जाते हैं, यानी कि समय से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं, तो समय से पहले सफ़ेद होने से आपके बालों को ये रोकेगा। इसके अलावा ये जो ऑयल है ये हमारे हेयर काउंट को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे बालों की लेंथ को भी बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो ये वंडर हेयर ऑयल है ये वाकई में बहुत बड़ा वंडर ही है। अगर आप लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए, जब आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स आप लोगों के सामने होंगे। इसके अलावा गाइज, अब मैं इस थुम्बा हेयर ऑयल की जो पैकेजिंग है वो करीब से आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका एप्लीकेशन शेयर करूँगी, साथ ही साथ इस हेयर ऑयल की जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है, इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ग्रीजी है, नॉन ग्रीजी है, सारी चीज़ें अभी आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। ये नेचर श्योर का थुम्बा वंडर हेयर ऑयल इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स में अवेलेबल है एंड इसके अंदर इस तरह की ग्रीन कलर की बॉटल हमें मिल जाती है, डार्क ग्रीन कलर की, एंड ब्लैक कलर का कैप रहता है।
एंड ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ऐसा ये जो प्रोडक्ट है वो क्लेम करता है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आपने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप इसे परचेज़ ज़रूर कर लीजिए एंड इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ऑयल ने आपके बालों पर किस तरह से वर्क किया, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो ऑयल है मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया एंड इसलिए इसका रिव्यू आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, वहाँ मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। इसके अलावा गाइस इसका एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे अदर ऑयल्स को हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इस ऑयल को यूज़ करना होता है। वैसे इस ऑयल को हेयर वॉश करने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हेयर वॉश करने के पहले इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ रफ़ से हमें लगते हैं। लेकिन जब भी हम हेयर ऑयल अप्लाई कर लेते हैं तो हेयर ऑयल हमारे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है, साथ ही साथ हमारे स्काल्प को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है। इसलिए जब भी मैं हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हूँ तो हेयर वॉश करने के पहले ही अपने बालों के ऊपर हेयर ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ। इस ऑयल को अपनी उंगलियों की मदद से अपनी जड़ों में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है एंड मसाज कर लेना है। मसाज करने से हमारे स्काल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाता है, इसलिए जब भी कोई हेयर ऑयल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे मसाज अच्छी तरीके से ज़रूर कर लिया करें। बात कर रही हूँ मैं इसके फ्रेग्रेंस की, तो इसके फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसा ही फ्रेग्रेंस है जिस तरह से आयुर्वेदिक ऑयल में फ्रेग्रेंस होता है, बिल्कुल वैसा ही फ्रेग्रेंस इसका है। इसके अलावा ये जो ऑयल है ग्रीजी नहीं है एंड मुझे ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो चेकआउट ज़रूर करें। साथ ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लीकेज के कोई चांसेस नहीं है। गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ये वीडियो है इस नेचर श्योर थुम्बा हेयर ऑयल की आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। चलिए गाइज मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।